जयपुर में आयोजित जस 2024 परवान चढ़ने लगा है। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित नोवाटेल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर पर इसका आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान ज्वेलर्स ने भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसका नतीजा है कि ज्वेलरी शो में भीड़ नजर आने लगी है। प्रतिभागी ज्वेलर्स का दावा है कि आमंत्रित ग्राहकों के कारण इस बार शो में कारोबार जरूर होगा, साथ ही मंदी के कारण कारोबार में कमजोरी की आशंका भी जताई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों जिस ज्वेलरी शो जस 2024 की शुरुआत हुई, वो अब परवान चढ़ने लगा है। जयपुर के ज्वेलर्स की सबसे बड़ी संस्था ज्वेलर्स एसोसिएशन के शो में देश भर से आमंत्रित करीब 600 मेहमान ज्वेलर्स में से अधिकांश पहुंच गए हैं, जिसके कारण शो में रौनक नजर आई। ये ज्वेलर्स समूह में एक बूथ से दूसरे बूथों पर पहुंचे और अपनी जरूरत की ज्वेलरी और रत्न आदि का चयन किया। उम्मीद की जा रही है कि रविवार को अंतिम दिन होने के कारण चयनित रत्नों और ज्वेलरी के आदेश कल तक जरूर मिल सकेंगे। ज्वेलरी शो जस में इस बार भी एक ही छत के नीचे करोड़ों रुपए मूल्य के रत्नों और आभूषणों का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। शो में रंगीन रत्नों से बनाई गई कुछ पेंटिंग भी आगंतुकों को आकर्षित करने में सफल रही। शो में लगी 170 कंपनियों के 275 बूथों पर हर ज्वेलर अपने प्रतिस्पर्धी ज्वेलर की तुलना में बेहतर डिस्प्ले कर ग्राहकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। इसका परिणाम है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल ज्वेलरी और रत्नों का डिस्प्ले बेहतर रहा है। शो को सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने भी विजिट किया और उम्मीद जताई कि इससे ज्वेलर्स का कारोबार बढ़ेगा। कोई दूर से देख के सोच सकता है यहाँ कितना कलेक्शन होगा, लेकिन मैं जर्नलिस्टिक हिसाब से सोचता हूँ तो हजारों करोड़ का कलेक्शन है यहाँ। और हर ज्वेलर अपनी अपनी आइडिया से अलग अलग बनाने की कोशिश कर रहा है, सिमिलरिटी नहीं मिलेगी कहीं भी, और यही जयपुर की खासियत है। ज्वेलरी शो जस के आयोजक भी शनिवार को दूसरे दिन उत्साहित नजर आए। इनका कहना है कि जस के आयोजन का उद्देश्य जयपुर के रंगीन रत्न और आभूषण कारोबार को नई ऊंचाई देना है। बिजनेस टू बिजनेस की अवधारणा पर शुक्रवार से शुरू हुआ 16वां ज्वेलरी शो जस सफल होता नजर आ रहा है। जस के संयोजक अशोक माहेश्वरी ने कहा कि कुछ बूथ पर तो आमंत्रित ज्वेलर्स को प्रतीक्षा तक करनी पड़ रही है, जो इस शो की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज जिस तरीके से आज शो का दूसरा दिन है, तो जितने भी हमारे प्री रजिस्ट्रेशन बायर्स पैन इंडिया और जितने भी हमारे होस्टेड बायर्स हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा समूह हमें आज शो में देखने को मिल रहा है। हर एग्जीबिटर पूरी तरह व्यस्त है बायर्स के साथ में, और सारे एग्जीबिटर्स आज के बायर्स के फुटफॉल को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं, और द बिजनेस इज गोइंग वेरी वेल और थिंग्स आर सुपर ऑर्गेनाइज इन द शो। ज्वेलर्स में बेहतर नेटवर्किंग के लिए ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड नाइट का आयोजन भी किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल ने पुरस्कृत होने वाले ज्वेलर्स को सम्मानित किया। उम्मीद की जा सकती है कि इस आयोजन के माध्यम से प्रतिभागी ज्वेलर्स और आगंतुक ज्वेलर्स के बीच नेटवर्किंग भी बनेगी, जिसके दूरगामी असर होंगे। लेकिन मुख्य सवाल इस शो के माध्यम से होने वाले कारोबार का है, जिसका जवाब अगले साल होने वाले जस में मौजूदा बूथ की संख्या में कमी या वृद्धि के रूप में दिखाई देगा। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर का ज्वेलरी शो जस 24 आज शनिवार को दूसरे दिन अपने शबाब पर पहुंचा। इस शो की खास बात ये रही कि आज ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से आमंत्रित ज्वेलर्स ने इस शो में शिरकत की, और इस शो में पेश की गई विभिन्न ज्वेलरी और रंगन रत्नों में अपनी रुचि दिखाई। देखने वाली बात यही है कि जयपुर के रंगीन रत्न कारोबार और आभूषण व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे इस शो को आखिर कितनी सफलता मिल पाती है। कैमरामैन गिरीश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।